कि माँ के हाथों की झुरियाँ और बाप की मजबूरियाँ भी अगर तुम्हें पढ़ने पे मोटिवेट ना करे तो जीवन में कुछ घंटा चीज से तो मोटिवेट हो ही नहीं सकता। दिया खुद शायद अपने बदन पे कपड़े पहने नहीं या नहीं पहने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर दिवाली हर छठ पे आपको कपड़े जरूर दिलाए नहीं। आपके 6 घंटे की नींद 7 घंटे की नींद काफी है, ठंडी है, आलस आएगा सब, इसलिए क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं मेरे भाई, मुकाम हमारा बड़ा है, बाकी लोगों की तरह छोटी नहीं है सोच हमारी। इसके बाद तो फिर वही सालों भर की मेहनत, फिर वही सी जिंदगी जो आप जी रहे हो, उन्हीं लोगों के ताने, फिर वही बात और फिर वही जिंदगी। तो फायदा आज रात हम लोग यहाँ पर जो है 10 बजे तक पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं मेरे भाई, मुकाम हमारा बड़ा है, बाकी लोगों की तरह छोटी नहीं है सोच हमारी। हमें खेतों में काम नहीं करना है, खेतों में तो करना ही करना है मेरे भाई, देश की और भी तरीके से सेवा करनी है, अपने प्रशासन में रुककर सहयोग करके देश को आगे बढ़ाना है, हमारे सपने बड़े हैं। तो बड़े सपनों के लिए यहाँ पर स्थिरता नहीं काम चलती है, कहते हैं ना कि वो जल भी जो है जो स्थिर हो गया तो महक उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, एक तालाब है और एक नदी है, दोनों में पानी हम छोड़ देना अगर तो मेरे भाई तालाब का पानी जो है रखे रखे महक आ जाएगा, क्योंकि वो रुक गया है, उसके अंदर भाव नहीं है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, लेकिन वो नदी की जो पानी है निरंतर बह रही है उसके अंदर एक ऊर्जा है और वो अपने आप को साफ करके चलती है। तो आप भी अपने आप को रुक कर अपने आप को कंफर्ट जोन में मत लाइए। जब आपका भाई यहाँ पर ठंडी के समय में खड़े होकर घंटे घंटे पढ़ा रहा है तो आप मेरे भाई उत्तर क्यों नहीं निकाल सकते अपने लिए, बताइए। आप अपने संकल्प को बड़ा रखिए यहाँ पर, इतना कमजोर संकल्प मत रखिए यहाँ पे। ठीक है, 60,000 से ऊपर की वैकेंसी है, कहने को संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन क्या आप इतने मन में निश्चय हैं कि आपकी नौकरी लग पाएगी, ये बताइए। अगर आपका मेरे भाई अंदर से अंतरात्मा से आवाज आ रहा है कि हाँ मेरी नौकरी इस बार हो गई है तो पढ़ना लिखना छोड़ दो, कंफर्ट जोन में आ जाओ। लेकिन अगर अंदर से मेरे भाई संकल्प नहीं आ रहा, अगर आवाज नहीं आ रही है तो और मेहनत करो फिर, क्योंकि जो है मेरे भाई यहीं 20-25 दिन है आपके पास में, इसके बाद तो फिर वही सालों भर की मेहनत, फिर वही सी जिंदगी जो आप जी रहे हो, फिर वही कहानियां, फिर वही लोगों के ताने, फिर वही बात और फिर वही जिंदगी। तो फायदा नहीं है, ये जो वक्त है इसका पूरा फायदा उठाओ और अच्छे तरीके से पढ़ो। आपको लग रहा है कि ये रात है तो यहाँ पर लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, सो गए होंगे, यकीन मानो मेरे भाई अगर अपने शहर से बाहर निकल के देखोगे ना, अलग अलग शहरों में जाके देखो, रेलवे स्टेशन पे जाके देखो, लाइब्रेरीज में जाके देखो, लोग जा रहे हैं, जाग रहे हैं, और जिसको अपना जो मंजिल प्राप्त करना है ना उसके लिए वो प्राप्त कर रहा है। कुली को अगर मानो सामान उठाना उसको अपना करिए चाहिए, भाई रात में भी सामान उठा रहा है। रेलवे स्टेशन पर जब मैं जाके देखता हूँ रात में दुकानें खुली हुई हैं, अंडा वाला अंडा बना रहा है, ऑमलेट बना रहा है, समोसा वाला वो बना रहा है मेरे भाई। ठीक है, लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, पूरा शहर जाग रहा है। जिसको अपना काम है वो लोग काम कर रहे हैं, वो सो नहीं रहे हैं, तो फिर आप क्यों सो रहे हो यहाँ पे, आप क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। 6 घंटे की नींद 7 घंटे की नींद काफी है, ठंडी है, आलस आएगा, सबको आएगा, मुझे भी तो आता है उठने में, लेकिन क्या मैं उठ के पढ़ाता नहीं हूँ। आज मेरे ऊपर जिम्मेदारी है लाखों बच्चों की, शायद आज अगर मैं नहीं उठा सुबह में तो एक क्लास मेरी लेट हो सकती है, डिले हो सकती है, कई सारे बच्चे बिना पढ़े सो जाएंगे। ठीक है, या बिना पढ़े उनका दिन चला जाएगा। तो जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ, आप भी अपनी जिम्मेदारी समझो ना। आपके ऊपर आपकी अपनी जिम्मेदारी है, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपने आने वाले जनरेशन की जिम्मेदारी है। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे होगा। पूरी जिंदगी आपके माँ बाप ने पूरी ताकत झोंक दी आपको बड़ी मेहनत से पढ़ाने में, अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिया, खुद शायद अपने बदन पे कपड़े पहने नए या नहीं पहने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर दिवाली हर छठ पे आपको कपड़े जरूर दिलाए नए, आपके अरमानों को पूरा किया। तो अब आपके ऊपर है ना भाई कि अब आप उनके भी सपनों को पूरा करो। ठीक है, उनकी उम्र तो ढलते चली जा रही है, आए दिन जो है आंखों के नीचे झुरिया चली आ रही है। कहते ना कि यहां पर खाक वो जिंदगी है जहां पर तुम्हें मोटिवेशन ना मिले, असली मोटिवेशन तो वहीं से मिलती है कि माँ की मजबूरियाँ, और यहाँ पर कहते हैं कि माँ के हाथों की झुरियाँ और बाप की मजबूरियाँ भी अगर तुम्हें पढ़ने पे मोटिवेट ना करे तो जीवन में कुछ घंटा चीज से तो मोटिवेट हो ही नहीं सकते। ये बड़ी बात है भाई, मेहनत करो, आगे बढ़ो, जीवन में बहुत कुछ बाकी, अभी हासिल कुछ भी नहीं किया है, आगे लगा दो, बस इतना बोलेंगे। ठीक है, यही वक्त है, झंडे गाड़ेंगे भाई। ठीक है।